प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, श्रेष्ठ समाज के लिए कानून के साथ नैतिक आंदोलन की जरूरत। दादी जानकी से मुलाकात कर हुए अभिभूत। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी का मनाया गया 97वां जन्मदिन। दुनिया में बुराई मिटाओ बेटी बचाओ की अपील। जन्मदिन पर भेंट किया गया विश्व का सबसे बड़ा मोमेंटो। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ नाम दर्ज। गिनीज बुक की तैयारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चला मूल्यों का पाठ। जीवन बदलाव के लिए आगे आए नेता। ब्रह्मा कुमारी शिवानी तथा सुरेश ओबेरॉय की शिरकत। और मेरठ में एक परमात्मा एक विश्व परिवार कार्यक्रम पर हुए कई आयोजन। कई हस्तियों ने की शिरकत। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार आबू रोड पहुंचे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांतिवन में आयोजित एक परमात्मा एक विश्व परिवार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता, ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य तथा जिला कलेक्टर मदन सिंह काला, पुलिस अधीक्षक लवली कटियार समेत कई लोगों ने उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह तथा पुत्र कार्तिक और आदित्य भी थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार एक दिवसीय दौरे पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। संस्थान में आयोजित एक परमात्मा एक विश्व परिवार में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके पश्चात उन्होंने संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के महासचिव ब्रह्मा कुमार निर्वैर समेत बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात की तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने दादी जी से आग्रह किया कि वे उन्हें ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मन और बुद्धि का श्रेष्ठ संतुलन बना रहे। आज राजनीति में हर जगह फिसलन का मोड़ है और ऐसे में खुद को नियंत्रित कर जनता की सेवा की जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का डायमंड हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत किया गया। इसके पश्चात संस्था की ओर से उन्हें गुलदस्ते और पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बेटी नहीं तो कल नहीं। आज देश की हालत चिंताजनक है। ऐसी बुराइयों को समाप्त करने के लिए कड़े कानून तो बनाने ही चाहिए ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के मन में डर पैदा हो। साथ में मानसिक स्तर पर बदलाव के लिए नैतिक आंदोलन चलाने की भी जरूरत है। ये शिव बाबा का घर है, ये ब्रह्म बाबा का घर है, ये दादी का घर है और इसलिए हमारा भी घर है। सचमुच में मेरे जीवन का आज सबसे शुभ दिन है, सबसे शुभ दिन। शिव बाबा यही बात कहते हैं, ब्रह्म बाबा यही बात कहते हैं, सबका कल्याण और सबके कल्याण के रास्ते ठीक बनाने के काम में हम लग पाए, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। आज यहाँ आया हूँ तो मन में यही सोच के, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये नहीं हो सकता। बिन सत्संग विवेक न होई। अब ये सत्संग मिला है और ये होता है परमात्मा की कृपा से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और इसलिए आज तो मुझ पर परमात्मा की कृपा हुई है, तभी तो परमात्मा के घर में आया हूँ। सचमुच में हर इंसान अगर उसके अंदर के जो मानवीय गुण जिनका जिनकी चर्चा दादी माँ ने कही, वो गुण अगर पैदा हो जाए ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, स्वर्णिम बन जाएगी। और ये दुनिया स्वर्ग बने, स्वर्णिम बने, यहाँ स्नेह प्रेम करुणा दया आत्मीयता एक दूसरे की भलाई भाई बहन का स्नेह अगर इस दुनिया में रहे तो ये भारत भी अच्छा बनेगा, दुनिया भी अच्छी बनेगी। और मैं भगवान के इस घर में कहना चाहता हूँ कि ऐसी दुनिया बनाने में अगर थोड़ा योगदान मैं दे सका तो मेरी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। बहनों और भाइयों, जब मैं मेडिटेशन वाले हाल में गया, सचमुच में ऐसी अनुभूति हुई जब मैंने दोनों आंखें बंद की, वह अनुभूति मेरे जीवन की आज सबसे बड़ी पूंजी बन गई। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी जैसे आध्यात्मिक संस्था का इस क्षेत्र में कर रहे कार्य को सराहा तथा इसे मील का पत्थर बताया। साथ ही लोगों से अपील की इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाए। कार्यक्रम के दौरान उन्हें संस्था की ओर से मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मान किया गया। शिव बाबा ब्रह्म बाबा के घर, भगवान के घर यहाँ आया हूँ, एक अलग मनोभूमिका में हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जो बुराइयाँ हैं देश में उनको समाप्त करना ज़रूरी है, उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कानून वो बनाना भी आवश्यक है। उसके बारे में देश पर विचार विमर्श हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हम लोग विचार कर रहे हैं।
क्योंकि ये बुराइयां खत्म तब होंगी, एक तो कानून का जब डर हो, वो आवश्यक है, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन दूसरा जब व्यक्ति अंदर से बदले। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। शिवराज सिंह चौहान कुछ देर के लिए जैसे ही ध्यान कक्ष में गए लीन हो गए। काफी देर तक वो ध्यानावस्था में रहे, तत्पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें उठकर चलने को कहा। इसके बाद ही वे ईश्वरीय शक्ति में खोए नजर आए। उन्होंने देश, समाज और प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में दादी जानकी ने कहा कि देश व राज्य का विकास केवल भौतिक साधनों का ही नहीं बल्कि बौद्धिक भी होना चाहिए। सच्चा व हितैषी जनता का सेवक वही होता है जो जनता के दुख और सुख में सहयोगी रहे। जो आज दुनिया में हालतें हैं भ्रष्टाचार और पाप का, उनसे बचना हो तो क्या करना है? मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मुझे जो विकारों की अग्नि है जिसमें जल बने दुनिया सारी, उसे निकाल करके बाबा ने शीतल बना दिया है। काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, अहंकार की अंश नहीं। जैसे रावण को हमारे भारत में 10 चीज देते हैं, जलाते हैं, पर रावण जलता नहीं है, हर्ष जलाते हैं, जलता नहीं है। तो यहाँ रावण को जला दिया है। कार्यक्रम के पश्चात वे संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी के साथ निवास स्थान पर मुलाकात की और कुशलक्षेम भी पूछा। पूरे विश्व में महिलाओं द्वारा संचालित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी का 97वां जन्मदिन बुराई मिटाओ बेटी बचाओ के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई छात्रा के लिए कुछ समय मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। दादी जानकी दुनिया की पहली ऐसी उम्रदराज महिला बन गई जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की मुखिया है। पूरे विश्व में महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं उससे जुड़े पहलुओं पर सेवा में समर्पित दादी जानकी का जन्मदिन बुराई मिटाओ बेटी बचाओ के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अमेरिका, जापान, केन्या समेत कई देशों के हजारों लोग उपस्थित थे। दादी ने सभी से आह्वान किया कि सभी मिलकर देश व समाज में फैल रही बुराइयों को रोकने के लिए आगे आएं और समाज के बदलाव का हिस्सा बनें। दादी जी के जन्मदिन पर केवल शांतिवन ही नहीं बल्कि कई देशों के हजारों लोग गवाह बने तथा इस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर संस्था के महासचिव ब्रह्मा कुमार निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश, बीके ब्रजमोहन, लंदन से आई बीके जयंती, सूचना निदेशक बीके करुणा तथा बीके मुन्नी समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने मिलकर केक काटा तथा दीप जलाकर जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर महासचिव बी के निर्वैर ने कहा कि दादी जी के निर्देशन में इस संस्था ने पूरी दुनिया में मनुष्यों के अंदर प्यार और एकता का बीज बोया है। दादी जी इतनी उम्र में स्वस्थ और पूर्णतया संस्था का कुशल संचालन कर रही हैं। इससे ही ये साबित हो जाता है कि ईश्वरीय शक्ति से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। दादी को बाबा ने सारे विश्व की महारानी बनाने के लिए विश्व की सेवा के निमित्त बनाया। हैदराबाद सिंध से निकली हुई सरस्वती हमारी परम आदरणीय वंदनीय दादी जानकी जी का आज 97th बर्थडे है। उसके लिए हम दादी जी को बहुत 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 मुबारक दे रहे हैं। राजयोगिनी दादी जानकी के 97वें जन्मदिन पर संस्था के महाराष्ट्र जोन की ओर से विश्व का सबसे बड़ा मोमेंटो भेंट किया गया, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। जब ये मोमेंटो को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लिम्का बुक के मार्केटिंग मैनेजर RVV मूर्ति ने प्रमाण पत्र भेंट किया। इससे पहले विश्व का सबसे बड़ा मोमेंटो 22 फीट का था जो अमेरिका में बनाया गया था, परंतु ये मोमेंटो 27 फीट का है जो 27 दिन में बनकर तैयार हुआ है। इस अवसर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के मार्केटिंग मैनेजर RVV मूर्ति ने कहा कि मुझे खुशी है कि एक ऐसा अवसर है जिसमें हम शामिल हैं। हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दिल्ली से आए हुए हैं। यहाँ पर जो बड़ी ट्रॉफी जो बनी है
वो विश्व में बहुत बड़ी ट्रॉफी है ये। इसके पहले जो बनी है वो बाहर के बनी है, वो 22 फीट की है, ये इससे बड़ी बनी है। और ये श्रीमती जानकी देवी का बर्थडे के टाइम में बनी है इनकी प्रेजेंट करने के लिए। ये रिकॉर्ड हम लोग लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ले रहे हैं और ऐसा ट्रॉफी कभी कहीं नहीं बनी है। जब दुनिया के सबसे बड़े मोमेंटो से दादी जी को नवाजा गया तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभा में बैठे हर किसी के मन में खुशी के गीत बज रहे थे। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि दादी जानकी एक ऐसी विभूति के रूप में प्रख्यात हुई हैं जो पूरे देश और दुनिया के तमाम असहाय, गरीब और तनाव से गुजर रहे लोगों की जिंदगी में नई ऊर्जा का संचार कर रही हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में मूल्यों से ओतप्रोत मूल्य निष्ठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, विधानसभा स्पीकर तथा नेता प्रतिपक्ष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा एक ऐसे कार्यक्रम का गवाह बना जिसमें पूरे समाज में संदेश गया कि राजनेता भी मूल्यों के प्रति गंभीर हैं। यही कारण था कि जीवन प्रबंध विशेषज्ञ बीके शिवानी का पक्ष और विपक्ष की सर्वसम्मति से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी दलों के नेता और राजनेता शामिल हुए। बीके शिवानी ने पूरी तन्मयता के साथ जिंदगी के उन तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला जिसे जिंदगी के बदलाव की बयार बह सकती है। करीब 2 घंटे चले इस सत्र में सभी मंत्रियों, नेताओं एवं विधायकों ने तन्मयता से सुना तथा जिंदगी के बारे में सोचने पर भी विचार किए। कार्यक्रम के प्रारंभ में ब्रह्म कुमारी शिवानी तथा फिल्म अभिनेता के स्वागत के बाद सत्र प्रारंभ हुआ और जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने अपनी जिंदगी के अनुभव साझा करते हुए इस रास्ते को जिंदगी के बदलाव का सबसे सुगम रास्ता करार दिया। कार्यक्रम के अंत में नेता प्रतिपक्ष ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए स्वयं को अति भाग्यशाली बताया। कार्यक्रम में संस्था के अधिकारी सचिव ब्रह्म कुमार मृत्युंजय, इंदौर जोन के निदेशक ब्रह्म कुमार ओम प्रकाश ने संबोधित करते हुए कहा कि यदि हमारा जीवन श्रेष्ठ है तभी हम दूसरों का सही मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं। जब तक हम खुद का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे दूसरों का नेतृत्व करना मुश्किल है। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। जैसे रेगिस्तान में हिरण पानी की तलाश में दौड़ता है और रेत को चमक को पानी समझ के उसके लिए भागता है, परंतु वो प्यासा ही रह जाता है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जो भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं उससे अलग काल की क्षण भंगुर की हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मगर अंतोगत्वा हमें तनाव, डिप्रेशन, अशांति और ये जो चीजें हैं वो हमें उपलब्ध हो रही हैं। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में मुख्यमंत्री रमन सिंह तथा नेता प्रतिपक्ष एवं विधानसभा स्पीकर द्वारा शॉल और मोमेंटो भेंट कर आगंतुकों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में रायपुर ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रभारी ब्रह्म कुमारी कमला बहन समेत कई लोग भी उपस्थित थे। ब्रह्म कुमारी संस्था स्थानीय सेवा केंद्र मेरठ द्वारा एक परमात्मा एक विश्व परिवार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान हुए पूरे शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस विशाल कार्यक्रम में शहर के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी सीताराम मीना ने कहा कि हमारी सोच ही हमारे कर्म का आधार है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो परिस्थितियां स्वतः हमारे पक्ष में कार्य करने लगती हैं। हमें आत्मा और परमात्मा और प्रकृति इन तीनों का आपस में जो समन्वय है, आपस में जो तालमेल है, इंटरेक्शन है, उसके संबंध में वास्तविक जानकारी, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक रूप से और बहुत ही सरल सादा शब्दों में परमात्मा देते और इस ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर संस्कारों की वो श्रेष्ठ रचना कर रहे हैं जिसके आधार पर ना केवल हमारा वर्तमान ठीक हो सकता है बल्कि हमारा भविष्य भी एकदम उज्ज्वल हो सकता है।
वहीं प्योरिटी मैगजीन के प्रधान संपादक ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन तथा ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी आशा ने कहा कि आज लोगों की मानसिकता में तेजी से नकारात्मकता घर करती जा रही है। ऐसे में राजयोग की शिक्षा एवं ध्यान से इसमें सकारात्मकता आ सकती है, इसलिए इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। उनका स्मरण करेंगे और जहां परमात्मा से प्रीत करेंगे तो परमात्मा की शक्ति भी जीवन में आती जाएगी। इस बुलेटिन में आज इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।